ये बैरिंग है, बैरिंग अगर आपका ख़राब हो गया तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए, इस शाफ्ट पर बैरिंग है तो उस बैरिंग को किस तरह से निकाला जाता है? हैमर से नहीं निकालना चाहिए क्योंकि आपका ख़राब हो जाएगा और शाफ्ट भी ख़राब हो सकता है। इसके लिए बैरिंग कूलर आता है, देखिए बैरिंग कूलर है ना, आपको इससे निकाला जाता है बैरिंग कूलर से, ठीक है। तो बैरिंग कूलर को सेट करने का सही, इस जो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसका सेंटर शाफ्ट पर, इस पर शाफ्ट पर रखना है सेंटर पर, ठीक है। सेंटर पर रखने के बाद इसको देखिए सेंटर पर रख दीजिएगा, उसके बाद देखिए इसको बैरिंग के नीचे फंसा देना है। ये जो लेगा ना इसका, ये बैरिंग के नीचे इस तरह से फंसा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको धीरे धीरे टाइट करना है, टाइट हो गया। अब इसके बाद हाथ से तो होगा नहीं, इसके लिए रेंच स्पैनर का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से जब कसेगा तो ऑटोमेटिक आपका ये बैरिंग ऊपर की ओर आ जाएगा। देखिए देखिए आ रहा है ऊपर की ओर, ये जब मेरा ये नीचे जाता है तो बैरिंग ऊपर की ओर आ जाता है। देखिए आ गया ना, निकल गया, घुमाएंगे तो निकल जाएगा। इस तरह से मूव करना है, निकल गया ना। तो इस तरह से बैरिंग को उतारा जाता है, निकाला जाता है शाफ्ट पर से, इसका यूज़ करके आपको बैरिंग कूलर का। नहीं तो अगर किसी हैमर का यूज़ कीजिएगा तो आपका बैरिंग भी डैमेज हो सकता है और आपका शाफ्ट भी डैमेज हो सकता है। तो हमेशा बैरिंग कूलर का ही यूज करें बैरिंग निकालने के लिए, ठीक है। अपने अच्छा लगे अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।